सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मार्ग सॉफ्टवेयर में POS मींस पॉइंट ऑफ सेल रिटेल बिलिंग का प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि POS क्या है। POS बेसिकली एक मशीन है जिसे यूज करके आप अपनी इन्वेंट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कितने प्रोडक्ट्स सेल किए, कितने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में हैं और कितना आपको प्रॉफिट हुआ एटसेट्रा। और इन्हीं सभी टास्क को पूरा करने के लिए मार्ग सॉफ्टवेयर में POS बिलिंग का प्रोविजन है जिसका यूज करके आप अपनी बिलिंग को स्मूथ एंड फास्ट कर सकते हैं। और जैसे कि POS सिस्टम से आपको मैन्युअली बिल्स जनरेट करने की नीड नहीं होती है जिससे आपका काफी टाइम सेव होता है। तो आइए अब देखते हैं कि POS मार्ग ERP के साथ कैसे काम करता है। तो इसके लिए पहले आप सॉफ्टवेयर में POS एनेबल करेंगे। तो POS एनेबल करने के लिए आप मास्टर से मार्ग सेटअप देन POS एक्टिवेशन से एक्टिवेट कस्टमर डिस्प्ले पर आएंगे। देन जिस पोर्ट में कस्टमर डिस्प्ले लगा है वो पोर्ट यहाँ मेंशन करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा कस्टमर डिस्प्ले एक्टिवेट। इसके बाद अगेन आप मास्टर से मार्ग सेटअप, फिर कंट्रोल रूम पर आएंगे, फिर सर्च इन ऑल पर आकर यहाँ टच सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन है कि अगर आप बिलिंग के टाइम पर स्क्रीन पर टच करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो आपको आइटम्स शो हो या आइटम्स की कंपनी शो हो। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आइटम्स हैं वो सब शो हो जाएं तो वाई सेट करेंगे, और अगर चाहते हैं कि आइटम्स की कंपनी शो हो तो सी सेट करेंगे। सपोज अगर सी सेट करते हैं तो उस केस में जितनी भी कंपनीज होंगी वो शो हो जाएंगी, और फिर जब आप उनमें से जिस भी कंपनी पर क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी की आइटम्स शो हो जाती हैं। तो सपोज वाई सेट करते हैं, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव करते हैं। सेव करते ही सॉफ्टवेयर पूछता है आपको स्क्रीन पर टॉप 25 आइटम्स शो हो या टॉप 25 आइटम्स कंपनी शो हो या फिर ऑल आइटम्स एंड कंपनी शो हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम टॉप 25 आइटम्स सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप बिल क्रिएट करते हैं तो इस तरह से टॉप 25 आइटम्स शो हो जाएंगी। अब जैसे कि आप देखेंगे कि अभी यहाँ आइटम नेम के साथ उनकी फोटोज भी आ रही हैं, तो अगर आप भी इसी तरह से आइटम्स के साथ फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मास्टर से रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स, फिर टच नेम एंड फोटो से आइटम मास्टर पर आएंगे, फिर आइटम सिलेक्ट करके फोटो को यस कर देंगे। देन जिस लोकेशन पर आपने फोटो सेव की हुई है डायरेक्टरी पर क्लिक करके उस लोकेशन पर आएंगे और ओके कर देंगे। देन अब फोटो सिलेक्ट करके सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ वर्चुअल कीबोर्ड एनेबल करेंगे ताकि बिलिंग के टाइम पर ऑपरेटर वर्चुअल कीबोर्ड यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सके। इसके बाद अब वापस बिलिंग स्क्रीन पर आते हैं, और अब आप बिलिंग करते टाइम कस्टमर से पूछ के उसका मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस और रिमार्क इस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करके एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड पर फंक्शन कीज और स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ वर्चुअल कीबोर्ड से इस आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से फंक्शन कीज और स्पेशल कैरेक्टर शो हो जाएंगे, और फिर अगर आप अगेन इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद अब आइटम फील्ड्स पर आने के बाद आप स्क्रीन पर टच करके आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप आइटम सिलेक्ट करते हैं वो आइटम यहाँ लोड हो जाती है, और अब आप यहाँ क्वांटिटी एंटर करके बिलिंग कर सकते हैं। बट अब सपोज अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप किसी आइटम पर टच करें वो आइटम डिफॉल्ट क्वांटिटी के साथ लोड हो, तो उसके लिए आप मास्टर से मार्ग सेटअप देन कंट्रोल रूम पर आएंगे और डिफॉल्ट क्वांटिटी सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। और अब आप यहाँ डिफॉल्ट सेल्स क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। सपोज हम 1 एंटर करते हैं, अब इसका मतलब ये है कि जब भी आइटम सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, मतलब ना ही रेट पूछेगा और ना ही क्वांटिटी पूछेगा, बस डायरेक्टली डिफॉल्ट क्वांटिटी के साथ बिलिंग कर देगा। तो अब एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव करते हैं। इसके बाद आप बिल क्रिएट करते हैं, देन आइटम सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट आइटम की 1 क्वांटिटी शो हो गई है। बट अगर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी पर आकर इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से अब जो भी आइटम्स आपको चाहिए सिंपली उस पर टच करके उसे सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो आइटम्स यहाँ लोड होती जाएंगी, जिससे आपकी बिलिंग फास्ट हो जाएगी। देन टैब की प्रेस करके बिल सेव करते हैं तो इस तरह से मोड ऑफ पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि पेमेंट किस मोड में हो रही है। जैसे अगर पेमेंट कैश में हो रही है तो आप एस्केप की प्रेस करके कैश सिलेक्ट करेंगे। अगर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो रही है तो लेफ्ट साइड से वो बैंक सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, फिर अमाउंट एंटर करेंगे, देन जितना सर्विस चार्ज ले रहे हैं वो अमाउंट यहाँ एंटर कर देंगे। इसी तरह अगर पेमेंट चेक से हो रही है तो वो बैंक सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर ICICI बैंक से पेमेंट हो रही है तो ICICI बैंक सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप देखेंगे कि बिल अमाउंट 371 रुपीज़ का है और अब जैसे हम 300 रुपीज़ चेक से पे करना चाहते हैं और बाकी का अमाउंट 71 रुपीज़ कैश से पे करना चाहते हैं, तो 300 रुपीज़ चेक से पे करने के लिए अमाउंट में 300 रुपीज़ एंटर कर देंगे और फिर चेक नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगर कोई डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन अब एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ शो हो रहा है कि बिल अमाउंट 371 रुपीज़ का था, जिसमें से 300 रुपीज़ की पेमेंट रिसीव हो गई है और पेंडिंग अमाउंट 71 रुपीज़ है। तो अब कैश सिलेक्ट करते हैं, देन अब एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि पेंडिंग अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। इसके बाद अब आप यहाँ रिमार्क और डिटेल मेंशन करके F10 की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप सॉफ्टवेयर में बारकोड का यूज करके बिलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप बारकोड ऑप्शन एनेबल करेंगे, जिसके लिए मास्टर से मार्ग सेटअप, देन कंट्रोल रूम पर आएंगे और फिर बारकोड सर्च करेंगे। अब जैसे कि बारकोड बिलिंग बेसिकली दो तरह से होती है, फर्स्ट मास्टर वाइज एंड सेकेंड बैच वाइज। तो आइए पहले मास्टर वाइज बारकोड बिलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ आइटम वर्किंग स्टाइल में सिलेक्ट करेंगे कि बारकोड मास्टर वाइज एनेबल करना चाहते हैं या बैच वाइज। तो जैसे हम बारकोड मास्टर वाइज एनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ बी सेट करते हैं। इसके बाद अब जैसे हम चाहते हैं कि बारकोड हमेशा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो इसके लिए आप पेज डाउन की प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ जनरेट बारकोड नंबर में सिलेक्ट करेंगे कि बारकोड कैसे जनरेट करना चाहते हैं, ऑलवेज, कंपनी वाइज या आइटम वाइज। तो सपोज हम ऑलवेज के लिए ए सेट करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ है लास्ट बारकोड नंबर और यहाँ हमने एंटर किया हुआ है 12357। इसका मतलब है कि जब भी बारकोड ऑटो जनरेट होगा वो इसी सीरियल नंबर के बाद से ही जनरेट होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ लास्ट बारकोड नंबर मेंशन कर सकते हैं, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव करते हैं। इसके बाद अब आप आइटम मास्टर्स पर आएंगे, देन F2 की प्रेस करके आइटम क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ बारकोड का ऑप्शन एनेबल हो गया है और साथ ही देखेंगे कि बारकोड ऑटो जनरेट हो गया है, जैसे इस आइटम का बारकोड जनरेट हुआ है 12358। इसी के साथ आप ये भी ध्यान देंगे कि मास्टर वाइज बारकोड सेट करने का मतलब ये है कि अगर इस आइटम का बारकोड हमेशा सेम रहेगा, मींस हमेशा यही रहेगा, तो उस केस में मास्टर वाइज बारकोड सेट कर लेंगे। तो अब आइटम क्रिएट करने के बाद आप पेज डाउन की प्रेस करके इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से अब सेकेंड आइटम क्रिएट करते हैं और अब आप देखेंगे कि इसका भी बारकोड ऑटो जनरेट हो गया है, जैसे इस आइटम के लिए बारकोड जनरेट हुआ है 12359। इसके बाद अब बिलिंग स्क्रीन पर आएंगे और अब आप यहाँ चाहें तो बारकोड को स्कैन करके भी आइटम लोड कर सकते हैं और चाहें तो बारकोड मैन्युअली भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। और अब आप यहाँ बारकोड एंटर करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उस बारकोड की आइटम लोड हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरा बारकोड स्पेसिफाई करके एंटर की प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं इस बारकोड की आइटम भी लोड हो गई है। तो इस तरह से आप बारकोड स्कैन करके या मैन्युअली एंटर करके भी आइटम लोड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ बिल सेव कर लेंगे तो इस तरह से आप मास्टर वाइज बारकोड बिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब बैच वाइज बारकोड बिलिंग का प्रोसेस देखते हैं। बैच वाइज बारकोड बिलिंग बेसिकली हम तब करते हैं जब एक आइटम के मल्टीपल बैचेस होते हैं और उन बैचेस के अलग अलग बारकोड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप बैच वाइज बारकोड बिलिंग करेंगे। तो इसके लिए अगेन आप बारकोड सर्च करेंगे। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ है बारकोड बैच वाइज और साइज वाइज, मतलब अगर आप यहाँ R सेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सपोज
अगर एक आइटम की दो बैच हैं और दोनों का बारकोड अलग अलग है तो उस केस में आप बिलिंग के टाइम पर जो भी बारकोड स्कैन करेंगे सॉफ्टवेयर वही आइटम पिक करेगा। अब एस्केप की प्रेस करके चेंजेस सेव करते हैं। इसी के साथ आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि जब आप बैच वाइज बारकोड बिलिंग करते हैं तो तब आप F3 की प्रेस करके कंपनी को मॉडिफाई करके वर्किंग स्टाइल को सेल्फ सेकेंडरी में चेंज कर देंगे। सेल्फ सेकेंडरी का मतलब है कि बिलिंग के टाइम पर बैच विंडो ओपन होगी जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बैच की आइटम सेल करना चाहते हैं। अब पेज डाउन की प्रेस करके कंपनी सेव कर देंगे। इसके बाद अब आप आइटम मास्टर पर आएंगे, देन आइटम पर F4 की प्रेस करके बैच डिटेल पर आएंगे तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ इस आइटम के अलग अलग बैचेस शो हो रहे हैं। और अब आप यहाँ बैच सिलेक्ट करके नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बारकोड ऑटो जनरेट हो गया है 12360। इसी तरह दूसरे बैच का भी ऑटो जनरेटेड बारकोड आपको शो हो गया है 12361। तो इस तरह से जब आइटम परचेज करते हैं तो बैच वाइज अलग अलग बारकोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और ये बारकोड ऑटो जनरेट कैसे होगा ये अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद आप सेल बिल जनरेट करते हैं और अब यहाँ उसी आइटम का बारकोड स्कैन करते हैं तो आप देख सकते हैं वो आइटम लोड हो गई है। इसी तरह आप सेम आइटम के दूसरे बैच को भी स्कैन करते हैं तो इस तरह से आप बैच वाइज बारकोड बिलिंग कर सकते हैं। देन आप सेव करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 123 शो हो रहा है जिसका मतलब है कि आप इस बिल की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। अगर दो कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से 2 प्रेस कर देंगे, अगर 3 करना चाहते हैं तो 3 प्रेस करेंगे। बट इनवॉइस प्रिंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं पहले आप अपने सिस्टम में उस प्रिंटर का सेटअप करेंगे, जिसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप देन प्रिंटर सेटअप पर आएंगे और चेंज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ 4 प्रिंटर पोर्ट्स हैं तो जिस प्रिंटर पोर्ट को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली उसे चेंज करने के लिए यहाँ यस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे उनकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी और अब जो भी प्रिंटर आप यूज करते हैं वो प्रिंटर यहाँ सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर अब आप यहाँ प्रिंटर टाइप सिलेक्ट करेंगे कि वो लेजर है या DMP है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंटर सेटअप कर लेंगे। और इसके बाद फिर जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो इस तरह से प्रिंटिंग पोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी और जितने भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे उनकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। और अब जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो इस तरह से आप बिल जनरेट करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आइए वेइंग मशीन की सेटिंग्स करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जिस लोकेशन पर आपका वेइंग मशीन का सेटअप है पहले उस लोकेशन पर आएंगे, फिर ऑल ड्राइवर्स फोल्डर ओपन करेंगे और अब आप यहाँ पहले जो भी आपके सिस्टम में विंडोज हैं उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे अगर आपके सिस्टम में विंडोज 10 है तो आप विंडोज 10 के ड्राइवर्स यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। देन ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आप इस हाइपर टर्मिनल यानी वेइंग मशीन के सेटअप को डबल क्लिक करके रन करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब अगर आप इसका शॉर्टकट आइकॉन डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ बॉक्स में क्लिक कर देंगे और फिर प्रोसीड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अब फिनिश करते हैं। आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर आइकॉन क्रिएट हो गया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। फिर अब आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन नेम मेंशन करके ओके कर देंगे, फिर एरिया कोड एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपने वेइंग मशीन सिस्टम के साथ अटैच की हुई है तो कनेक्ट यूजिंग में सिलेक्ट करेंगे कि वेइंग मशीन का कॉर्ड किस पोर्ट में लगा हुआ है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि वेइंग मशीन का कॉर्ड किस पोर्ट में लगा है, तो इसके लिए आप कंट्रोल पैनल से व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ शो हो गया है कि वेइंग मशीन का कॉर्ड COM6 में लगा है। तो अब आप यहाँ कनेक्ट यूजिंग में COM6 सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पोर्ट सेटिंग्स शो होंगी जिसे आप सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर में मास्टर से मार्क सेटअप देन POS एक्टिवेशन से वेइंग स्केल सेटिंग्स पर आएंगे और अब यहाँ वो पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे लाइक COM6। इसी तरह उस विंडो पर जो भी आपको पोर्ट सेटिंग्स शो हो रहे होंगे उसे भी आप यहाँ एंटर करके ओके कर देंगे। और इसके बाद फिर जब भी आप वेइंग मशीन पर जितना भी वेट रखते हैं वो वेट आपको स्क्रीन पर इस तरह से शो होता रहेगा। इस तरीके से आप वेइंग मशीन की सेटिंग्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पॉइंट ऑफ सेल रिटेल बिलिंग मार्ग सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।